रायपुर में निजी स्कूल ट्यूशन फीस के नाम पर मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। लगातार परिजन ऐसे शिकायत कर रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी स्कूल फीस वसूल रहा है। रायपुर के होलिक्रॉस कापा स्कूल को लेकर भी लगातार ऐसी ही शिकायतें मिल रही हैं। शिकायत में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर वो फीस जमा नहीं करते हैं तो बोर्ड परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को न तो एडमिट कार्ड दिया जाएगा और न ही उन्हें ऑनलाइन क्लास में बैठने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद से होलिक्रॉस स्कूल में फीस में मामूली कमी की गई। मिडिल स्कूल की फीस 2000 कम करके 40 से 38000 की गई, वहीं हाई स्कूल के लिए 4000 रुपए कम करके 44000 से 40000 की गई। प्रदेश का शिक्षा विभाग के पहले ही साफ कर चुका है कि फीस की वजह से किसी भी छात्र की ऑनलाइन पढ़ाई न रोकी जाए, न ही किसी छात्र को एडमिशन कार्ड देने से मना किया जाए। इस मामले में एक मुश्किल ये भी है कि स्कूलों की फीस मनमानी की सबसे बड़ी वजह यही है कि अब तक विभाग की ओर से ट्यूशन फीस को परिभाषित नहीं किया गया है। शिकायत के बाद पूरे मामले में होलिक्रॉस प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश की गई तो कोई भी बात करने को तैयार ही नहीं हुआ। अब बात आती है कि क्लास 12th और 10th के लिए जिनको एडमिट कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्होंने सबके लिए बोल दिया है कि आप फीस जमा कीजिए, उसके बाद ही आपको मिलेगा। हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, कम से कम सरकार या शिक्षा विभाग या स्कूल वाले तय तो करें कि ट्यूशन फीस होनी कितनी चाहिए।